रात में बचाऊं। हाँ, मैंने ना अभी 19th वाला बच्चों जान के मेंस रखवाया, क्योंकि ये इस सिलेबस का पहला ही टेस्ट है। मतलब इसमें वेव ऑप्टिक्स और मॉडर्न आएगी, तो उसके इमीडिएटली बाद एडवांस भी होगा आपका इसी पोर्शन का। हाँ, मेजर टेस्ट जो है आपका वो जेई मेंस पैटर्न ही है, बिकॉज ये सारा नया सिलेबस आ रहा है, तो मैं जान के ये रखवाया। बाकी आपका मतलब इस वाले पार्ट का, जैसे मैंने आपको कल बताया ही था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना अपना एडवांस के लिए, तो इसका मैं आपका मतलब फिजिक्स का तो पक्का ही होगा एडवांस पैटर्न टेस्ट। आई विल सी अगर बाकी सब्जेक्ट्स का भी हुआ तो मैं आपको बता दूंगा। मतलब फिजिक्स में आई प्लान टू टेक टू टेस्ट, एडवांस पैटर्न टेस्ट। एक टेस्ट होगा रे और वेव का, और एक होगा मॉडर्न अलोन का। जी ओके okay. बच्चों, हमने लास्ट टाइम यहां तक किया था। अच्छा, पहले वो डिस्कशन करनी थी, है ना? हाँ, रे ऑप्टिक्स एक्सरसाइज 2, चलो वो कर लेते हैं। यस बोलो भाई। नाइनटीन्थ का आंसर शायद गलत दिया हुआ है, बी आएगा। नाइन्थ में बस आप एक ही गलती करोगे कि जो डिस्टेंस है वो फोकस से है, यू इज नॉट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब फ्रॉम द पोल वो फोकस से है। थर्ड क्वेश्चन, हैविंग पैरेलल फेसेस, इसका बच्चों क्या आंसर आएगा? बी और सी आएगा, है ना? ए नहीं आएगा। जब सी आ गया तो ए तो आ ही नहीं सकता। जब लाइट स्लैब के अंदर एंटर करती है तब तो स्प्लिट करती है ना।
आगे बचो। नाइन्थ का आएगा आंसर, ध्यान से करो, कुछ भी नहीं है उसमें। एक 20th क्वेश्चन देखो बच्चों, 20th का आंसर सी और डी दोनों आएंगे, देखो क्यों। ट्वेंटी देख रहे हो बच्चों? श्रीहित बताओ कैसे आएगा 20th का दोनों आंसर्स? हाँ नमन ठीक है, गोपाल ठीक है, वैभव ठीक है, जशन ठीक है। स्मॉलर तो सीधा ही है ना, वो तो पैरेलल रेजिस्टेंस वाले से पता ही है आपको कि स्मॉलर तो आ ही सकता है, बिगर कब आ सकता है? स्पर्श ठीक है, यस तो दो केस बन सकते हैं। अगर आप एक कनकेव और एक कन्वेक्स ले लो, लेके देखो, मतलब एक का साइन, दोनों का साइन जब अलग अलग हो तो क्या होगा कि 1/f वाली टर्म छोटी हो जाएगी, मतलब f वाली टर्म बड़ी हो जाएगी। समझ रहे हो? बाकी जो दूसरे वाला केस है, मतलब तभी अगर मतलब वो तब होगा अगर आपको ओवरऑल आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, बच्चे समझ गए ना 20th क्वेश्चन?
46 वैसे तो मतलब आपके कोर्स में नहीं है, मतलब ऑल दो 10th क्लास वगैरह की नॉलेज से हो सकता है। नहीं, 37th का आंसर ठीक है, बिल्कुल सिली मिस्टेक कर रहे हो। थर्टी नाइन्थ में आप दोनों केस बना सकते हो, मतलब बट आपको ये देखना पड़ेगा कि ऑप्शन से आंसर है किससे आएगा किससे। हाँ जी, आगे बच्चों। एक बच्चों, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 41 है, ये ना मतलब ये जैसे जब हम फोकल लेंथ को कंपेयर करते हैं, ये थोड़ा सा एम्बिगुअस सा काम हो जाता है कि बेसिकली हमें लेंस को विद साइन कन्वेंशन कंपेयर करना है या विदाउट साइन कन्वेंशन कंपेयर करना है। मतलब इफ यू आस्क मी, आइडली स्पीकिंग तो वो लेंथ है, तो लेंथ का तो मैग्नीट्यूड कंपेयर होना चाहिए। देर इज नथिंग लाइक नेगेटिव लेंथ, है ना? वो नेगेटिव पॉजिटिव तो जब हम कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में उसको लिखते हैं उस कारण से आ जाता है। तो मतलब आइडियली आना नहीं चाहिए ऐसा केस, बट अगर आता है कभी कोई लेंथ कंपेयर करने वाला तो, और मतलब क्वेश्चन से क्लियर नहीं हो रहा, तो कंपेयर मैग्नीट्यूड जोन भी, ठीक है? तो 41 में आप ये सोच सकते हो ना कि अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड्स कंपेयर करेंगे तो अलग आंसर बनेगा, अगर साइन के साथ कंपेयर करोगे तो दूसरा आंसर बनेगा। फिफ्टी टू देखो बच्चों, ये फिगर है इसका, टोटल कंटेनर की हाइट 21 है, हम अंदर से उसको देख रहे हैं, ठीक है? अब मान लो एच हाइट तक वाटर भरा हुआ है, तो ऑब्जर्वर को कंटेनर की हाइट क्या नजर आएगी बच्चों? ट्वेंटी वन माइनस एच तो सीधा नजर आएगी, और जो पानी के अंदर एच है वो उसका एच बाय म्यू नजर आएगा उसको, है ना? उसको ये हाइट नजर आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या होनी चाहिए? दिस शुड बी 2 टाइम्स ऑफ 21 माइनस एच। उसको हाफ फिल्ड दिखना चाहिए। तो इससे आ जाएगा आंसर। राइट,
हाफ फिल 21/2 नहीं होगा, यही गलती करोगे आप। हम ये बात कर रहे हैं कि उसको क्या दिख रहा है। ट्वेंटी वन बाय टू तो आप एक्चुअल पे चले गए, सर डिफरेंस के दोनों में? क्योंकि ऑब्जर्वर को हाइट अलग दिख रही है ना वेसल की। ऑब्जर्वर को तो वेसल की हाइट 21 दिख ही नहीं रही। सर ये इन्होंने क्वेश्चन में हाफ एल डी ऑफ द टोटल हाइट ऑफ द कंटेनर ये स्पेसिफाई नहीं किया हुआ। बट ये लिखा हुआ है ना कि किसको, इट अपीयर्स हाफ फिल्ड व्हेन व्यूड फ्रॉम टॉप ऑफ कंटेनर। तो जो हाँ देख जी रहा है उसको हाफ फिल्ड लगना चाहिए ना। सर समझ में नहीं आ रहा इसमें। अगर आप बाहर से देख रहे हो फिर तो सीधा ही हो गया, फिर तो कुछ क्वेश्चन में ऑप्टिक्स लगी नहीं कि पानी आधा भर दो 10.5। क्वेश्चन वो थोड़ी है, क्वेश्चन तो ये है कि जो ऑब्जर्वर ऊपर से देख रहा है, ये वाला ऑब्जर्वर, इस ऑब्जर्वर को ऐसा लगना चाहिए कि आधा पानी भरा हुआ है। तो इस ऑब्जर्वर को तो कंटेनर की हाइट अलग नजर आ रही है ना। ठीक है सर, ओके। आगे बच्चों, एक 68th क्वेश्चन में, मतलब वैसे तो ऑब्वियस है वो एम भी यूज हुआ हुआ है, म्यू भी यूज हुआ हुआ है, तो वो हर जगह सेम कर लो, चाहे एम चाहे म्यू। सिक्सटी एट किया कैसे है बच्चों, मुझे बताना, कोई अनम्यूट करके बताओ मुझे। हाँ बच्चों बताओ। सर इसके अंदर जो उसको रॉड की लेंथ दिखेगी वो एक तरह से मतलब जैसे मैंने तो बी को फिश मान लिया तो वो ऊपर चली गई, तो मतलब उसको जो लेंथ दिख रही है अंदर वो मतलब वो दिखेगी जो जैसे बी ऊपर चला गया ना, तो उसकी मिरर में भी अगर हम बनाएं तो वो वैसी बन जाएगी कि बी ऊपर वाली मिरर के अंदर जो इमेज बनेगी तो उसको वो दिखी जाएगी जिसमें भी ऊपर है। ठीक है। मैं बच्चों एक बार आपको बता रहा हूं, जस्ट टेल मी, आपने ऐसे किया है या किसी और तरीके से किया? आप ये तो समझ ही गए हो कि इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं, पहले तो हमें ये निकालना होगा कि मिरर को, कि मिरर कैसी इमेज बनाएगा इस रॉड की, है ना, और फिर हम ये निकालेंगे कि ऑब्जर्वर को कैसी इमेज नजर आ रही है। क्या ये बात क्लियर होती है बच्चों? ओके, तो अगर अब हम मिरर के हिसाब से सोचें कि मिरर को कैसी इमेज नजर आएगी, तो मिरर को जो बी पॉइंट है
वो कितना एल ऊपर नजर आ रहा है ना, मिरर भी पानी में ही है, पॉइंट बी भी पानी में ही है, तो मिरर को बी पॉइंट एल ऊपर नजर आ रहा है, तो वो उसकी इमेज एल नीचे बनाएगा। मिरर को ए पॉइंट कहां पे नजर आएगा? अब ये वही वाला केस हो गया फिश वाला, तो मिरर को ए पॉइंट कहां नजर आ रहा होगा बच्चों? म्यू एल हाइट पे, है ना, सरफेस से म्यू एल हाइट पे नजर आ रहा होगा, तो मिरर उसकी इमेज जो है सरफेस से म्यू एल हाइट का मतलब टोटल कितनी हो गई? 2L+μL हो गई हाइट। ये एल है, ये एल है, ये एल है, तो उसको सरफेस से एल की जगह म्यू एल पे नजर आ रहा है, तो टोटल कितना हो गया? 2L+μL। तो वो जो इमेज बनाएगा वो इस तरीके की बनाएगा। पहले तो इस पॉइंट को बिल्कुल क्लियर करो, ये हमने बनाया है कि मिरर को कैसी इमेज नजर आएगी रॉड की, मतलब मिरर कैसी इमेज बनाएगा रॉड की। इसको मैं इस फॉर्म में भी पुट कर सकता हूं, जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं कि लाइट का पाथ देखो, तो लाइट का पाथ क्या है? लाइट पहले मिरर से टकरा रही है और फिर बाहर निकल रही है, तो अभी हमने ये किया है कि जब वो मिरर से टकरा रही है तो कैसी इमेज बनी। इसमें कोई भी डाउट है बच्चों प्लीज आस्क। अब हम बात करते हैं कि जब लाइट बाहर निकल रही है ठीक है, मतलब अब जो हमारे ऑब्जर्वर को क्या नजर आ रहा है एग्जैक्टली, तो ऑब्जर्वर को अब सिंपल केस हो गया कि ऑब्जर्वर को तो ऐसा लग रहा है ना कि रेस पानी में से आ रही है, तो अब केस हो गया बर्ड वाला। तो मतलब सारा कुछ म्यू से डिवाइड हो जाएगा, तो मतलब मैं क्वेश्चन बच्चों इससे करवा रहा हूँ क्योंकि इस केस में तो क्या है ना, वो सारी लेंथ एल दी हुई है, तो मतलब अगर आप गलती करोगे तो भी आंसर ठीक आ जाता है। तो हमें मतलब एक्चुअली एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या चेंज आ रहा है। तो अब ऑब्जर्वर को अगर हम देखें कहां नजर आएगा पॉइंट बी, ऑब्जर्वर के लिए पॉइंट बी जो है वो 3L नीचे है, तो उसको जो इमेज नजर आएगी वो आएगी कहीं थ्री एल बाय म्यू पे, और जो पॉइंट ए है वो उसको कितना नीचे नजर आ रहा है? फोर एल प्लस म्यू एल, तो वो उसको कितना नीचे नजर आएगा? फोर एल बाय म्यू प्लस एल, तो मतलब उसको जो लेंथ दिख रही है वो क्या दिख गई, ये जो बची लेंथ ये बच गई एल प्लस एल बाय में।
करेक्ट? बच्चों ऐसे ही किया था या किसी और मेथड से किया था? अगर किसी और मेथड से किया था तो प्लीज शेयर, ताकि हम ये चेक कर लें कि वो सही किया था या गलत किया था। अंडरस्टूड एवरीवन? समझ आ गया ये? सर सर इसके अंदर मैंने मतलब जैसे मैं कह रहा था कि इसके अंदर मतलब मैंने ये प्रॉपर्टी यूज की है कि जो उसको असली में लेंथ नजर आ रही होगी वो ही उसको मिरर में नजर आ रही होगी लेंथ। हाँ ठीक है, मतलब ये जो नहीं पता जो उसको असली में नजर आ रही होगी मतलब। जैसे असली में तो बी ऊपर आ रहा है ना, मतलब हाँ हाँ असली में जो बी ऊपर मिरर आ के गया। लिए ऑब्जेक्ट की लेंथ है वही उसके लिए इमेज की लेंथ है, आप ये कहना चाह रहे हो शायद। हाँ ऑब्जर्वर के लिए नहीं, अगर हम नहीं ये बात करें कि ऑब्जर्वर को क्या लेंथ नजर आ रही है सीधा, हाँ सीधा मैं पहले पहले मैंने वो निकाल ली, वो है एल प्लस वो तो एल सीधा सीधा ऊपर। एल प्लस एल बाय म्यू हो गई। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि मिरर में भी उसको यही लेंथ नजर आएगी। बच्चों एक ये बात सोचो, अगर हम ये सारा कुछ बिना किए, अगर हम डायरेक्टली ये बात कर रहे होते कि ऑब्जर्वर को डायरेक्टली रॉड की क्या लेंथ नजर आ रही है, तो वो भी एल प्लस एल बाय म्यू ही है ना, आप देख सकते हो। जो पानी के ऊपर वाली एल है वो तो एल ही हो गई, और जो पानी के नीचे वाली एल है उसका एल बाय म्यू हो गया। तो क्या हम बच्चों ये कह सकते हैं कि जो उसको असली में नजर आ रही है सब कुछ होने के बाद भी वही लेंथ नजर आएगी उसको? इन अदर वर्ड्स मिरर का कोई रोल नहीं है। तो ये सम सीधा ये कह सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि मिरर तो कोई लेंथ चेंज नहीं करता ना, यहीं पे अगर नीचे प्लेन मिरर की जगह कोई कंकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर लगा होता फिर डेफिनेटली चेंज आता, फिर नहीं हम कह सकते थे। प्लेन मिरर तो हमें पता है ना कि डज नॉट प्रोड्यूस एनी मैग्निफिकेशन, उसके लिए तो जो ऑब्जेक्ट साइज होता है वही इमेज साइज होता है। तो यस हम ये मतलब एक तरह से शॉर्टकट अप्लाई कर सकते थे कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा मिरर के थ्रू देखने में भी। ठीक है बच्चों, आगे और कोई क्वेश्चन? सर हाँ जी अगर हम जैसे रियलिटी में अगर एक जैसे कोई भी अगर रॉड डाले अगर पानी में ऐसे आधी, तो कुछ एंगल पे नहीं नजर आती कि मतलब वो ऐसे स्ट्रेट की स्ट्रेट नहीं नजर आती, जो जो अब ये आई को नजर आएगी वो एल प्लस एल बाय म्यू, तो वो मतलब टोटल लेंथ स्ट्रेट वाली स्ट्रेट होगी कि वो मतलब ऐसे नहीं, एंगल वो वाली क्या होगी? होता है कि
मतलब हम जो सॉल्व करते हैं सारा वो तो नियर नॉर्मल इंसिडेंट्स के लिए करते हैं ना, पैराक्सियल के लिए. रियलिटी में तो सारी रेस पैराक्सियल नहीं होती, इसलिए वो हमारे को थोड़ी सी बेंट नजर आती है. हम ऑब्वियसली उस चीज को तो इग्नोर कर रहे हैं. हाँ, ये जो मैंने आपको बताया है जो शॉर्टकट, वो सिर्फ प्लेन मिरर के लिए लगेगा और नहीं लगेगा. जैसे अगर कुछ स्फेरिकल होता है या कुछ होता तो फिर पूरा ही सॉल्व करना पड़ता. जो टेस्ट में है कोई डाउट? अच्छा, एक सेकेंड ओपन करो. Excuse me, sir. हाँ जी. 368 एक बार दोबारा बता दो. क्या चीज, क्या कह रहे हो? 368 क्वेश्चन है. इसमें मैंने एक रे बनाई जो बी से नीचे वाले मिरर पर जा रही है, और एक रे बनाई जो बी से सीधा उस सरफेस पे जा रही है, ऊपर को जा रही है. ऊपर को. हाँ 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 तो इन दोनों से जो दो इमेजेस हैं वो अलग अलग ही बनेंगे दीदी? नहीं, इमेजेस अलग अलग बनेंगी डेफिनेटली. हम ये कह रहे हैं कि जो साइज होगा इमेज का उस पर कोई चेंज नहीं आएगा. इमेज तो पक्का अलग बनी रही है, उसमें तो कोई मतलब इशू ही नहीं है. मतलब आपने जो दूसरा तरीका बताया वो एक बार दोबारा समझा दो. हाँ, मैंने उसमें ये बोला कि अगर हम ये बात यूज कर लें कि जो मिरर है वो साइज में कोई चेंज नहीं लेके आता, तो हम ये कह सकते हैं डायरेक्टली कि भाई जो ऑब्जर्वर को डायरेक्टली साइज नजर आ रहा है रॉड का, वही मिरर के अंदर देख के भी नजर आएगा. ठीक है. हाँ जी. अच्छा, एक तो जो क्वेश्चन नंबर 23 था, नहीं, शोभित कौन सा था वो क्वेश्चन? अच्छा हाँ, तो ये जो 23 था ना, उसमें आपको जो क्वेश्चन था उसमें ये लिखा नहीं हुआ था इन डिग्रीज. ये तो मैंने बाद में करेक्शन कर दी थी. आपको क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखा हुआ था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो मतलब बेसिकली डिग्रीज या रेडियन दोनों में ठीक है वो. टेन प्रिज्म स्ट्रेचर डिस्टेंस ऑफ 10, द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट
is a pi by b, find a plus b minus 1 by 10. हाँ जी बच्चों, ये कैसे किया क्वेश्चन नंबर 22? क्या कोई करके नहीं आया क्या? मैंने किया था। हाँ जी, कैसे किया था बताओ। मैंने प्रिज्म प्रिज्म बनाया, उसका उसका वो एंगल शॉर्ट है, तो मैंने मतलब उसे सेंटर से 10 सेंटीमीटर लेफ्ट में मान लिया ऑब्जेक्ट को। तो हाँ, फिर आगे उसको मैंने दो रेज बनाई और उससे जो इमेज है वो उसके ऊपर आ गई थी, और मैंने वो एंगल थीटा मान लिया, और वो थीटा स्मॉल था तो टैन थीटा वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो उससे आंसर आया था एन माइनस ए इंटू कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए, मतलब और स्मॉल ए जो है वो डिस्टेंस बिटवीन प्रिज्म एंड ऑब्जेक्ट है, और जो ए है वो रेडियन में लेना। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये तो हमें एकदम पता चल ही रहा है क्वेश्चन से कि सीधा सीधा तो कोई फॉर्मूला लगने से रहा ना कुछ तो वी विल हैव टू थिंक। तो लेट्स से हम पूरा फिगर बनाते हैं। टेन है इसका डिस्टेंस, 10 है। सर हाँ जी सर, हम ये मतलब जैसे ये ऑब्जेक्ट हम ऐसे सेंटर से क्यों ले रहे हैं, हम मतलब नीचे से क्यों नहीं ले रहे, कहीं से भी ले लो, बेस उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके सर, एंड लेट्स रिमेम्बर कि ये जो मतलब प्रिज्म है वो बिल्कुल थिन है ना, तो थिन प्रिज्म डिविएशन प्रोड्यूस करता है ना, जो डिविएशन होएगी वो हमें पता है कि वो कितनी हो गई, म्यू माइनस वन इंटू ए, तो 2.5 डिग्री की डिविएशन होगी। तो अच्छा, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट पूछा है, तो बच्चों अगर हम देखें कि अगर मैं कोई भी एक जनरल लाइट रे मानूं जो इसके थ्रू जा रही है, हमें पता है कि वो 2.5 डिग्री से बेंड कर जाएगी है ना, राइट है। तो सबसे पहले तो हम ये सोचें
कि इमेज बच्चों बनेगी कहां पे? ये अगर एक लाइट हो गई ऐसी, मैं कोई भी और लाइट रे भी अगर मानता हूं, मैं बच्चों जान के ऐसी लाइट रे मान लेता हूं, कोई तो ऐसी लाइट रे होगी ना जो मतलब बाद में ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। बेसिकली ये कौन सी लाइट रे होगी जिसका एंगल 2.5 होगा, है ना? दिस इज जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी। तो अगर हम इन रेस को बच्चों रिट्रेस करें ये कुछ यहां पे आ जाएगी इमेज। ये समझ आता है बच्चों? आप एंगल से ये देख सकते हो कि आई जो है वो ओ के ऊपर आता है। हाँ बच्चों देखो, क्या आई का उस ओ के ऊपर आना जरूरी है? फिगर से ऐसा लग रहा है कि आना चाहिए। देखो ध्यान से, सर हाँ जी, सर ये जो आपने जहाँ से बेंडिंग दिखाई है, शुरू किया बेंडिंग, वो दोनों पॉइंट मतलब सेम वर्टिकल पे है? वो तो बस एक तरीका होता है ना अप्रोक्सीमेट दिखाने का कि भाई हाँ कि प्रिज्म के थ्रू पास करके बेंड हो गई। प्रिज्म तो थिन ही है ना, तो एनीवेज कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो बच्चों एनीवेज वो चीज तो आप निकाल लोगे जो भी आता है नहीं आता, हमारे को तो एनीवेज ये डिस्टेंस चाहिए ठीक है। तो अब इधर से ये ग्रीन वाला एंगल 2.5 है ठीक है, यहाँ पे ये वाला एंगल 2.5 है, तो ये एंगल ये आपका इस तरह से फिगर बन जाएगा। मतलब ये जो लेंथ है ये क्या बन गई सिंपली 10 × tan 2.5, उसको आप मतलब ऑब्वियसली 2.5 को रेडियन में कन्वर्ट करके मतलब तो ये 2.5 को रेडियन में कन्वर्ट करके जो भी बनेगा उससे आना चाहिए आंसर। देखो आता है बच्चों इससे, हाँ ये राइट एंगल तभी आएगा अगर मतलब हम ये मानते हैं कि वो सीधा उसके ऊपर आ रही है, वही चेक करना आपको कि उस पर आती है कि नहीं, मतलब आंसर आ रहा है तो आई रही होगी, देखो निकाल के। करना एक बार ट्राई बच्चों है ना, इसके अंदर वो वाला एंगल 2.5 कैसे है? कौन सा? जो वो सबसे लेफ्ट पे टॉप पे ग्रीन वाला? हाँ वो तो ये जो रे को एक्सटेंड करेंगे तो उसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 2.5 ही होगा ना। अच्छा आपने वो पैरेलल है, ठीक है। हाँ और सर वो राइट एंगल मतलब कैसे निकाल लेंगे हम, मतलब एक बार ही फिगर बनाओ प्रॉपर सा ज्योमेट्री से अप्रोक्सीमेशन से कुछ वैसा बनेगा है ना, ट्राई करना कुछ ना कुछ तो बनेगा ही वैसा। नहीं तो बताना मुझे ना, करते हैं फिर उसको सॉल्व। और बताओ बच्चों, सेवेंथ क्वेश्चन। ये 3a क्या है भाई? सीधा ही है, बस आपको ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में 90 का डिस्टेंस दिया हुआ है, बीच में आपने एक लेंस रखा, इमेज जो है वो आपकी स्क्रीन पे बन रही है ना, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ स्क्रीन है, टोटल डिस्टेंस 90 है, तो अगर एक एक्स है दूसरा 90 - x हो गया, इस पे लेंस फॉर्मूला लगा दो वो क्वाड्रेटिक बन जाएगी, तो दो वैल्यूज आ जाएंगी। और कोई थर्ड क्वेश्चन डिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस। इसमें ये पूछा है कि फिश को कहाँ नजर आ रहा है, तो
तो रेज मतलब एयर से वाटर के अंदर आ रही हैं, ये ध्यान रखना है। सो योर एंड वन इज वन, एंड टू इज फोर बाय थ्री, आर प्लस में आएगा, आर इज प्लस आर, इससे भी निकाल लो। और एक ध्यान ये रखना है कि जो अब वी आएगा आपका वो तो इस पॉइंट से आएगा, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है सेंटर से डिस्टेंस। नाइनटीन्थ क्वेश्चन, नाइनटीन्थ मॉड्यूल का क्वेश्चन है। तो आपको ये कहा है कि टोटली रिफ्लेक्टेड टू रीच फेस बीसी, तो बस आपने क्या करना है, एसी से एसी फेस पे टीआईआर होना चाहिए, ठीक तो है, इसमें तो कोई चक्कर नहीं है। ये क्वेश्चन भी मॉड्यूल का ही लग रहा है मुझे, 20th। तो बस वो क्रिटिकल एंगल 45 बन जाएगा, उसके हिसाब से आप देख लोगे। अलंकृत आप क्या कह रहे हो, मीडियम पे सेट होता है, मतलब ये अच्छी बात है या बुरी बात है, मैं समझा नहीं। ओके चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अच्छा वो तो वैसे ही लिखा होता है, मतलब वो फिक्स नहीं किया हुआ, वो तो सीधा टाइप पेस्ट कॉपी पेस्ट मार देते हैं। मैं वो मीडिया में लिखते हैं चाहे जैसा मर्जी हो। क्वेश्चन ये अब धीरे धीरे करवा रहे हैं उनको सॉर्ट ना क्वेश्चंस को, मतलब मैं आगे करवाऊंगा कि वो इजी मीडियम टफ सेपरेट आउट हो जाए। हाँ बच्चों, सो वी वर ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, और हमने यहाँ तक किया हुआ था। आज बड़े बच्चे आए हैं भाई, क्या बात, आज क्या शुभ काम किया मैंने। मेरा खौफ है। मेरा तो कोई खौफ नहीं है। थैंक यू भाई आने के लिए, जो सब आए हो। ओके तो हमने बच्चों यहां तक किया था ना, ये तो नहीं बता सकता कि क्यों इंपॉर्टेंट है, मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं है, टी वाले किसी भी तरीके से डक कर सकते हैं। मतलब अगर मैं वैसे सोचूं तो ये चैप्टर्स तो वार्डन वगैरह तो आईआईटी के अंदर जाके बिल्कुल ही नहीं पढ़ाते, मैकेनिक्स तो फिर भी फर्स्ट ईयर में होती है, मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोस्टैट्स वगैरह। हाँ जी याद तक किया था बच्चों हमने, ठीक है। अब बच्चों इसको फर्दर समझने के लिए हमें एक बार दोबारा अपनी उस आइंस्टाइन इक्वेशन पे जाना है। वो क्या थी बच्चों इक्वेशन, याद करो,
आइंस्टाइन इक्वेशन नहीं सॉरी वर्क फंक्शन पे, कि वर्क फंक्शन से हमने समझा था कि कितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है जिससे कि एक इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर निकले, राइट। अब अगर हम बच्चों ये सोचें, क्योंकि हमने वेरिएशंस की बात करनी है, अब अगर हम ये सोचें कि हमने जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा दे दी इलेक्ट्रॉन को, फिर क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, राइट। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा होगा तो ये कुछ ना कुछ एनर्जी कोलिजंस में लूज भी कर देगा, isn't it? मतलब ऐसा तो है नहीं कि सीधा हाईवे बना हुआ है इलेक्ट्रॉन के पास कि वो बाहर निकल आएगा। जब आपने उसको इतनी एनर्जी दे दी कि वो रिपल्सिव, कि वो जो आयंस की फोर्सेस हैं उनको तो ओवरकम कर सकता है, बट जब वो उनको ओवरकम करके निकल रहा है तो हो सकता है इन द प्रोसेस वो बाकी इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलिजंस खा जाए कुछ, राइट। और हमें ये भी समझता है कि डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स के डिफरेंट कोलिजंस हो सकते हैं, है ना। तो हम बच्चों मान लो इमेजिनरी वैल्यूज में, एक मिनट के लिए अगर हम माने कि वर्क फंक्शन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और हमने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हम क्या कह सकते हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन 6 काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकलेगा? नहीं, हम ये कह सकते हैं कि जो आइडियल केस सिनेरियो में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा वो 6 से बाहर निकलेगा, है ना, जिसका कोई कोलिजन नहीं हुआ। यस, मैक्स 6 हो सकती है ना, बाकी सबकी तो 6 से कम ही होगी। तो इसको हम बच्चों इस तरीके से पुट कर देते हैं, इसको हम कहते हैं एज आइंस्टाइन इक्वेशन। बेसिकली ये इक्वेशन है क्या, हम कहना चाह रहे हैं कि जो 10 एनर्जी दी हमने उसमें से 4 तो चली गई वर्क फंक्शन में एंड 6 इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो कि पॉसिबल है, इजंट इट। तो इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं कि E इज इक्वल टू W प्लस KE मैक्स। राइट, और ये के ई मैक्स क्यों आया है फिर से बच्चों? बिकॉज अलग अलग कोलिजंस के कारण डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स विल हैव डिफरेंट वेलोसिटीज। तो अगर हम बच्चों इसी एक्सप्रेशन को लाइट के लिए अप्लाई करें, ठीक है, वैसे तो हम एनर्जी किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, अगर हम ये कहें कि हम एनर्जी पर्टिकुलरली वेव से ही दे रहे हैं तो बस क्या हो जाएगा कि वो एच न्यू, ई को हम एच न्यू लिख सकते हैं जो उस वेव की एनर्जी होगी, है ना। तो हम एक लाइन लिख लेते हैं कि नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स कम आउट विद डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज बिकॉज दे अंडरगो कोलिजंस व्हाइल कमिंग आउट, के मैक्स इज फॉर द आइडियल केस व्हेन देयर इज नो कोलिजन।
तो बच्चों मैं एनर्जी को एच न्यू की फॉर्म में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने एनर्जी दी है वो तो वेव की फॉर्म में, मतलब लाइट या वेव जो भी कह लो उससे ही दी है ना। ओके तो अब बच्चों यहां से हम दो टर्म्स बनाते हैं, नहीं अभी तक हमने कहीं पे लाइट को पार्टिकल नहीं माना, वो तो भी हम आगे देखेंगे ऑब्जर्वेशन से। अच्छा आप ये कह रहे हो कि हमने E को H nu कैसे बोल दिया, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अभी हमने प्रूव नहीं किया है कि यहाँ पे लाइट पार्टिकल की तरह कैसे बिहेव करेगी, है ना। फिलहाल तो हम बस ये मान ले कि अगर इतनी एनर्जी दी है तो क्या होगा, है ना। एन एच सी बाय लैम्डा क्यों आएगा, एच सी बाय लैम्डा ही आएगा ना। इसको बच्चों मतलब बाद में भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है एक्सपेरिमेंट के। तो अब बच्चों यहां से हम एक दो टर्म्स बनाते हैं, वैसे बड़ी ऑब्वियस टर्म्स है। हम एक टर्म बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की कितनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट चाहिए आपको जिससे कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आए। मतलब इन अदर वर्ड्स ऐसे कह दो कि बस इतनी लाइट जिससे वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी आ जाए हमारे पास, है ना, कि कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं आई। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। तो वो क्या हो गई, सिंपली डब्ल्यू बाय एच ना, के को जीरो कर दिया। सिमिलरली बच्चों हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की भी बात कर सकते हैं, है ना। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की डेफिनेशन में क्या आएगा, एक बार ध्यान से सोचो। बस ये ध्यान रखना है कि वहां पे मैक्सिमम वेवलेंथ आएगा, है ना। फ्रीक्वेंसी में मिनिमम आएगा, वेवलेंथ में मैक्सिमम आएगा। तो ये बन जाएगा बच्चों लैम्डा नॉट इक्वल टू एच सी बाय डब्ल्यू। इसमें बच्चों हम वैल्यूज पुट करके इसको इस फॉर्म में याद रख सकते हैं, ये आपने केमिस्ट्री में भी किया होगा पक्का, कि लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम्स इज इक्वल टू 12400 अपॉन वर्क फंक्शन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स।
तो मतलब इट इज यूजफुल टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, क्योंकि अदरवाइज वो एच की वैल्यू डालना, सी की वैल्यू डालना, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू डालना, वो फिर कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है. ये तो सबको क्लियर ही है ना कि फ्रीक्वेंसी में मिनिमम आया है, वेवलेंथ में मैक्सिमम आया है. तो हम अब ऊपर वाले एक्सप्रेशन को इन टर्म्स ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी लिख सकते हैं. कैसे? इस तरह से कि एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस के ई मैक्स, है ना, और वेवलेंथ की फॉर्म में क्या हो जाएगा, एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा नॉट प्लस के ई मैक्स. तो बच्चों प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन न्यू एंड के मैक्स. मतलब के मैक्स वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी. फटाफट बताओ कैसा ग्राफ बनेगा. के मैक्स वर्सेस न्यू, और दूसरे केस में के मैक्स वर्सेस वन बाय लैम्डा. फटाफट बनाओ, ये तो बिल्कुल सिंपल है आपके लिए. स्लोप की वैल्यू भी लिखो. तो आपके इस तरीके से ग्राफ्स बन जाएंगे. तो बच्चों हम नेगेटिव वाला ग्राफ नहीं दिखाते, है ना, ये तो आप समझ ही सकते हो. इस ग्राफ की तो सेंस ही तब बनती है अगर आप न्यू नॉट या फिर वन बाय लैम्डा नॉट के आगे का ग्राफ बनाओगे. ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी का नॉट भी नेगेटिव. तो आपको एक सेट ऑफ क्वेश्चंस तो ना ये इक्वेशन की मैनिपुलेशन पे ही आता है. मतलब जैसे भी टर्म्स को रीअरेंज करके, जैसे मैंने के मैक्स वर्सेस न्यू बनवाया, ऐसे ही के मैक्स अपॉन एच वर्सेस न्यू बना दो तो कुछ चेंज आ जाएगा, है ना. तो इन इक्वेशंस
दोनों इक्वेशंस के बेसिस पे जो भी ग्राफ बन सकता है वो आपको बनाना आना चाहिए टर्म्स को रीअरेंज करके. ठीक है बच्चों, तो नाउ विद दिस नॉलेज अब हम इस एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे ये ऑब्जर्वेशंस लीड कर रही हैं टुवर्ड्स पार्टिकल नेचर. तो बच्चों सबसे पहली ऑब्जर्वेशन जो थी वो ये थी कि अगर हम लाइट की फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं तो देयर इज नो करंट ऑब्जर्व्ड. क्या इसमें बच्चों क्या इस ऑब्जर्वेशन से किसी तरीके से वेव नेचर कॉन्ट्राडिक्ट होती है? इफ यस तो बताओ कैसे. हाँ जी सर, अगर जो लाइट वेव चाहे कम होती लेकिन कंटिन्यूअस होती तो फिर भी इजेक्ट हो जाना चाहिए था. यस एग्जैक्टली भाई, व्हाट इज वेव? वेव इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. तो भाई इलेक्ट्रॉन को तो एक बेयर मिनिमम एनर्जी चाहिए निकलने के लिए, है ना. तो अगर मान लो वेव की एनर्जी कम भी है तो वो ज्यादा देर तक वेव को एब्जॉर्ब करता रहे, तो कुछ देर के बाद तो ऐसा हो जाना चाहिए कि उसके पास सफिशिएंट एनर्जी हो जाए. इज़न्ट इट? बट इस एक्सपेरिमेंट में यह देखा गया कि आप जितनी मर्जी देर तक करते रहो, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी इस वेव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता. इससे क्या समझ आता है कि इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी ले रहा है वो तो बस एक झटके से ले रहा है ना. तो अगर तो एक झटके में ही उसके पास सफिशिएंट एनर्जी आ गई तो वो बाहर निकलेगा, अदरवाइज वो बाहर नहीं निकलेगा. मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पूरे के पूरे फोटोन को एब्जॉर्ब करता है. ठीक है, फोटोन से उसके पास एकदम जो एनर्जी आती है वो एच न्यू आती है. ठीक है, तो अगर तो वो सफिशिएंट है तो वो बाहर निकलेगा, अदरवाइज वो बाहर नहीं निकल सकता. क्या बच्चों ये बात समझ आती है सबको? यस, बिल्कुल सेम केमिस्ट्री वाला ही है सब. अगेन, फोटोन की फ्रीक्वेंसी का ऐसा कोई मतलब नहीं है.
है ना, वो ये मिक्स मैच ही है। नेक्स्ट बच्चों, अगर आप लाइट की फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा रखते हो तो इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट होते हैं वो ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली हो जाते हैं। मतलब कोई टाइम गैप ही नहीं होता। इतना स्मॉल टाइम होता है, 10^-6 सेकेंड्स। इससे फिर समझ आता है कि है ना, उसके पास जो एनर्जी आ रही है वो एकदम एक झटके से ही आ रही है। ना तो सीधा फोटोन उसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो अगर तो उससे वो एनर्जी थी सफिशिएंट तो बस वो बाहर निकल गया, फिर तो कोई टाइम लगना ही नहीं। हाँ बच्चों, तो मेरे पास एक डाउट आया है कि गुड डाउट, मान लो हम लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम रखें तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक इलेक्ट्रॉन दो फोटॉन एब्जॉर्ब कर ले और फिर बाहर निकले। तो मतलब रीजन के साथ बताओ। आई विल रिपीट द क्वेश्चन। मान लो जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो 4 है, ठीक है। तो अब हमने जो लाइट इंसिडेंट की हुई है वो 2 वाली की हुई है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन दो दो वाले दो फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर ले और फिर बाहर निकले। आप में से मतलब काफी लोगों ने नो लिखा है, रीजन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स ओनली 1 फोटॉन एट अ टाइम। हाँ तो पहले एक कर ले, थोड़ी देर बाद दूसरा कर ले। एक साथ दो ना करे, थोड़ी देर बाद कर ले। तो बच्चों क्या होता है, बिल्कुल पॉसिबल है ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब थ्योरेटिकली देर इज नथिंग विच सेज कि एक टाइम पे एक ही फोटोन एब्जॉर्ब होना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वो एक टाइम पे दो फोटॉन्स एब्जॉर्ब कर ले, ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्वियसली कि पहले एक किया और उसके जस्ट बाद दूसरा कर लिया, या फॉर दैट मैटर फिर तीसरा भी कर लिया। बट इन चीजों की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, वेरी वेरी स्मॉल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन मतलब एक्चुअली चक्कर क्या होता है कि अभी हमने वो पॉइंट आगे लिखना भी है कि
कि इलेक्ट्रॉन के एक फोटोन एब्जॉर्ब करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, वही हार्डली 1% होती है, क्योंकि मतलब वही इलेक्ट्रॉन तो अंदर मतलब बहुत सारा कुछ होता है ना मेटल के अंदर, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि एक फोटोन डायरेक्टली जाके इलेक्ट्रॉन के ऊपर गिरे और वो एब्जॉर्ब हो जाए, इसके चांसेस कम होते हैं। तो आप सोचो, आपने तो सबने प्रोबेबिलिटी पढ़ी हुई है एक्सेप्ट अलंकृत, कि अगर मैं आपको कहूं कि वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन की एक फोटोन एब्जॉर्ब करने की प्रोबेबिलिटी अगर मैं आपको कहूं 1% है, तो आप सोचो दो इलेक्ट्रॉन कि दो फोटोन एब्जॉर्ब करने की प्रोबेबिलिटी तो 1.01 × 2.01 हो गई ना, तो दैट बिकम्स वेरी स्मॉल। तो मतलब आंसर क्या है कि क्या ये पॉसिबल है? यस, बट इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ये ना बच्चों, जैसे हम लोग जब जैसे टीचर्स की रिक्रूटमेंट करते हैं ना, तो तो जैसे कोशिश ये होती है कि सारे चैप्टर्स को कवर करो, तो मेरा इस चैप्टर से मेरे दो पेट क्वेश्चंस हैं जो मैं पूछता होता हूँ टीचर से। एक तो जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आयनाइजेशन एनर्जी और वर्क फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है, दूसरा ये वाला कि ये जो प्रोबेबिलिटी वाला जो मैंने आपसे भी पूछा है कि क्या दो फोटोन एब्जॉर्ब कर सकता है, और मतलब बाई चांस ऐसा है कि बहुत ही रेयर मैंने देखा है कि इसका आंसर कभी मुझे मिला है। दूसरे वाले का तो कभी भी नहीं मिला, मतलब पहले वाले का तो फिर मिला है, ये लो प्रोबेबिलिटी वाले का तो बिल्कुल ही नहीं मिला। मतलब मुझे ऐसे नहीं याद कि किसने दिया। मतलब आप ऐसे मान सकते हो कि जिसने दिया होगा वही सिलेक्ट हुआ है। हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा था। क्या होता है मतलब जनरली बच्चों, सब ये ना माइंडसेट ही ये बना होता है, जैसे आप में से भी कई लोगों ने आंसर किया कि हाँ एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन एब्जॉर्ब कर सकता है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, राइट? मतलब देयर इज नो फिजिकल लॉ व्हिच सेज कि हाँ जी ऐसा कुछ होना चाहिए। सर, हाँ जी सर, अब जैसे लाइट तो कंटिन्यूअस हम दे रहे हैं तो कंटिन्यूअस फोटॉन्स आ रहे हैं, तो जो सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन्स है सर, मतलब कंटिन्यूअस फोटॉन्स आ रहे हैं, तो मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी 1% कैसे? नहीं, आप ऐसे सोचो, ऐसा तो है नहीं ना कि हर जगह पे ही इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं, इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ ही तो मूव कर रहे हैं सर। लेकिन जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा वो तो सबसे पहले जो बिल्कुल सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन है उन्हीं का होगा ना। हाँ, तो फिर उनके लिए तो प्रोबेबिलिटी हाई होगी। हाँ नहीं, हम एवरेज प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि मतलब एज सच कोई सरफेस नहीं डिफाइंड होती, हम तो एक ब्रॉड बात ही करते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि ऊपर वाला 1 mm ले लो या 4 mm ले लो। ओके सर, हाँ जी सर, तो ये हम एवरेज की बात करते हैं। ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है कि कोई इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी निकल जाए। हाँ जी सर, वो मेरा क्वेश्चन ये था कि वो मिली जो मिलिया मीटर लगाया था वो इसी के रीजन का कारण लगाया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं बहुत कम आ रहे हैं। हाँ यस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम निकलते हैं इसलिए जो करंट होता है वो बहुत छोटा होता है, इसीलिए हमने मिली मीटर लगाया हुआ।
तो बच्चों ये 2-3% मतलब ये कोई ऐसे कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, ये तो एक मतलब वैसे ही आपको बताया, मतलब आपको दिया होगा अगर कभी जरूरत होगी। तो बच्चों अगला पॉइंट मतलब थर्ड का ही मतलब दूसरी फॉर्म में कह दो कि अगर हम इंसिडेंट लाइट के नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा देते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स कैसे बढ़ा सकते हैं जो हमने पहले लिखा था कि ये क्या है पी लैम्डा बाय एच सी। तो मान लो हम लैम्डा कांस्टेंट रखें, पी बढ़ा दें, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएंगे। तो अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए तो ऑब्वियसली उस प्रोपोर्शन में जितने फोटॉन्स एब्जॉर्ब होंगे वो बढ़ जाएगा, और फिर उसी प्रोपोर्शन में जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे वो, मतलब मान लो पहले 100 फोटॉन्स इंसिडेंट थे तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे थे, अब अगर आपने 100 की जगह 200 कर दिए फोटॉन्स तो अब 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, है ना। तो द करंट इज directly proportional to number of photons। ठीक है जी। अब बच्चों ये बताओ कि मान लो हमने नंबर ऑफ फोटॉन्स तो कांस्टेंट रखे लेकिन हमने जो लाइट की फ्रीक्वेंसी थी वो बढ़ा दी, तो उससे क्या होगा। तो स्पीड बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, राइट। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं चेंज हुए क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो निकलेंगे वो किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पे। तो अगर आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे थे वो तो सेम रहे, बस फर्क क्या रहा कि अब वो ज्यादा स्पीड से बाहर निकल रहे हैं।
ठीक है बच्चों, ये समझ आ गया? ओके बच्चों, अभी क्लास है आपकी? चलो उत्कर्ष सर तो लेट कर ही देते हैं, कोई मैसेज कर दो बच्चों सर को 1 बजे का, बस एक लास्ट पॉइंट है ये लिख लेते हैं, ये अपना कंप्लीट हो जाएगा ऑब्जर्वेशंस। नहीं, फिफ्थ में ऑब्वियसली अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो पावर भी बढ़ेगी, बट हम ये मान रहे हैं कि कि हमने नंबर ऑफ फोटॉन्स नहीं चेंज किया, सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेंज किया फिफ्थ पॉइंट में। ठीक है जी, हाँ तो यस, अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स कांस्टेंट होंगे तो ऑब्वियसली जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो भी कांस्टेंट होंगे। गलत किस तरह सर? सर मैं गलत इसलिए कह रहा था क्योंकि फोर्थ पॉइंट हमने अभी भी जैसे ये देख के निकाला कि जैसे ऊपर से आपने लैम्डा कांस्टेंट रखा था, आपने नंबर मतलब जैसे ये है कि जैसे कोई एनर्जी जैसे होती है एचसी पर लैम्डा। सर देखो सर, मतलब सर मतलब कई बार ऐसा भी केस हो रहा है होगा कि लैम्ड अगर जैसे लैम्डा बदल रहा है तो सर कई बार तो ऐसा भी केस हो रहा होगा कि कम किसी किसी के लिए कम एनर्जी पे लाइट बार आ रही है, किसी के लिए ज्यादा पे आ रही है। नहीं देखो, मैं ये कह रहा हूं, मान लो पावर आपके पास जो है, ठीक है, पावर का हमारे पास जो फॉर्मूला है इसको बच्चों दूसरी साइड ले जाओ। पावर का फॉर्मूला क्या बन गया? नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू एच सी बाय लैम्डा या इनटू एच न्यू। यस सर। ठीक है, अब तो पावर इज एन इनटू एच न्यू। तो मैं ये कह रहा हूं दो केस, एक केस तो ये है कि आप न्यू को कांस्टेंट रखो और पावर को बढ़ाओ तो एन बढ़ रहा होगा। यस। तो उस केस में हमें ये देखने को मिलता है कि सीधा सीधा ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलने शुरू हो जाएंगे। अच्छा। ठीक है, दूसरा केस आप मान लो आपने एन को कांस्टेंट रखा और न्यू को बढ़ाया तो पावर तो अब भी बढ़ी है, ठीक है, बट अब आपने नंबर ऑफ फोटॉन्स नहीं बढ़ाए, आपने सिर्फ न्यू को बढ़ाया, तो इस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे थे वो नहीं बढ़े, बट हां जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी थी जिससे वो बाहर निकल रहे थे वो बढ़ गई। राइट, ये हुआ क्लियर? अच्छा सर, मतलब सीधी बात यह है कि इलेक्ट्रॉन्स कितने बाहर निकलेंगे वो तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पे ही डिपेंड करता है। ओके, अब बच्चों मान लो, एक बार इसको देखो, मान लो यहां पे हमने कोई लाइट इंसिडेंट की है थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अलग अलग स्पीड से बाहर निकल रहे हैं और अलग अलग डायरेक्शंस में भी जा रहे होंगे।
ठीक है। तो अब हम देखते हैं नीचे वाली बैटरी का रोल। अगर मैं नीचे वाली बैटरी को ज्यादा पॉजिटिव कर दूं तो क्या होगा? मान लो जो सिचुएशन थी बच्चों, उसमें आपके यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन निकले थे, ठीक है, वो 10 इलेक्ट्रॉन ऐसे अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं। अब अगर मैं नीचे वाली बैटरी को पोलैरिटी बढ़ाता जाऊं, उसको ज्यादा पॉजिटिव करता जाऊं, तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ ही अट्रैक्ट होंगे। बट एटमोस्ट 10 ही हो सकते हैं ना, 10 से ज्यादा तो नहीं हो सकते। जितने निकले हैं बेस्ट केस सिनेरियो में सारे के सारे पॉजिटिव प्लेट पे पहुंच जाएंगे। क्या ये बात समझते हो बच्चों? तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर तो आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हो तो क्या होगा? करंट इनिशियली बढ़ेगा, उसके बाद कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो उसको हम एक तरह से बोल देते हैं सैचुरेशन करंट। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? हाँ भाई बोलो कुछ। यस नो? अब बच्चों इसी का उल्टा करते हैं। मान लो हम पोटेंशियल कम करना शुरू कर देते हैं, एक मिनट के लिए मान लो जीरो कर दिया हमने, तो क्या होगा? अगर जीरो कर दिया तो भी थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स तो पहुंच ही जाएंगे जो उस दिन की बाई चांस डायरेक्शन उसी तरफ को है ना। अब बच्चों मान लो उल्टा ही कर दें, हम पोलैरिटी रिवर्स कर दें, मतलब वो जो प्लेट है वो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करना शुरू कर दे, तो क्या होगा? तो अब एक तरह से कंपटीशन हो गया है ना, इलेक्ट्रॉन के पास भी एनर्जी है, तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन प्लेट की रिपल्शन को ओवरकम करके भी प्लेट तक पहुंच जाए। इज इट पॉसिबल? तो बताओ बच्चों किस केस में ऐसा हो जाएगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन राइट वाली प्लेट पे ना पहुंच पाए? भाई इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा से ज्यादा कितनी एनर्जी हो सकती है? के मैक्स है ना। अगर हम प्लेट को इतना नेगेटिव पोटेंशियल दे दें
कि के ई मैक्स वाला इलेक्ट्रॉन भी ना पहुंच पाए प्लेट तक, तो ऑब्वियसली और कोई इलेक्ट्रॉन तो नहीं पहुंच सकता। सर ये समझ आ रहा है बच्चों? सर स्पर्श दो मिनट। तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा? करंट जीरो हो जाएगा। तो मतलब हमें क्या समझना है कि अगर आप पोटेंशियल पॉजिटिव करते जाओगे, मतलब अगर आप ऐसे ही रख के पोलैरिटी सेम रख के पॉजिटिव करते जाओगे तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी और बढ़ के कॉन्स्टेंट हो जाएगी। अगर आप नेगेटिव कर दोगे पोटेंशियल को और मतलब उस तरह से बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा? एक पर्टिकुलर नेगेटिव पोटेंशियल पे आपका करंट जीरो हो जाएगा। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? हाँ जी अब बोलो। सर अगर जैसे अगर हम हल्का सा भी नेगेटिव करें प्लेट को तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स फिर उधर क्यों जाएंगे? नहीं, इलेक्ट्रॉन के पास खुद की काइनेटिक एनर्जी तो है ही ना, लेकिन फिर रिपल्शंस नहीं बढ़ जाएंगे उस केस में? हाँ वही वो देखना पड़ेगा, मतलब वो डिपेंड करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा पहुंच जाएगा, मतलब वो तो अब इस पर डिपेंड करेगा कि कितनी रिपल्शन है। अलग अलग केसेस बन सकते हैं, हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉन कुछ देर जाके फिर वापस जाना शुरू कर दे। ये तो सिंपल काइनेमेटिक्स की सिचुएशन बन गई ना कि वेलोसिटी राइट को है, एक्सेलरेशन लेफ्ट को है। और एक बार ऐसे हो सकता है कि जैसे अगर एक कोई भी इलेक्ट्रॉनिक बाहर आ गया तो वो वापस अंदर जा सकता है? ना, बहुत बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी। तो इसमें हम बच्चों ऐसे लिखेंगे कि अगर पोलैरिटी रिवर्स कर दी तो एट अ पर्टिकुलर वैल्यू करंट बिकम्स जीरो। इस बात को बच्चों हम बेटर एक ग्राफ की फॉर्म में डिपिक्ट कर सकते हैं। अगर हम y एक्सिस पे दिखाएं करंट और x एक्सिस पे दिखाएं पोटेंशियल, तो बच्चों राइट हैंड साइड पे तो क्या बन जाएगा? थोड़ी देर बढ़ेगा और फिर कांस्टेंट हो जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा? हम समझ सकते हैं कि किसी वैल्यू पे जाके वो जीरो हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ बन जाता है।
यहाँ पे हम कोई मतलब हम कुछ बता नहीं सकते कि अगर आपको पूछो ना कि V इक्वल टू जीरो पे एग्जैक्टली कितना करंट है, उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. ना ही हम ये बता सकते हैं कि कितने V पे सैचुरेशन आ जाएगी. हाँ, हम इस पॉइंट की बात कर सकते हैं बच्चों जहां पे हमें दिख रहा है कि करंट जीरो ही हो गया. इसको मैं बोलता हूं बच्चों एज माइनस वी एस. ठीक है, तो वी एस को हम बोलते हैं एज स्टॉपिंग पोटेंशियल. ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्यों बोला हमने? बेसिकली ये वो पोटेंशियल हो गया जिसपे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स रुक गए या जिसपे करंट स्टॉप हो गया. अच्छा, मुझे सोच के बताओ इसकी वैल्यू कैसे आएगी. ऐसा क्या पोटेंशियल होगा जिसपे सारे इलेक्ट्रॉन्स रुक जाएंगे? यस, सिंपल वर्क एनर्जी थ्योरम कि ईवीएस इज इक्वल टू के ई मैक्स. ये समझ आया बच्चों कैसे आया? पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी है ना. चलो दैट्स इट बच्चों, इसमें कोई भी डाउट है प्लीज आस्क. सर जो थर्ड और फोर्थ ऑब्जर्वेशन है वो उसमें फोटोन के फोटोन कैसे लिख दिया उन्होंने? नहीं नहीं ये तो मतलब मैंने तो सारी लिख दिए इकट्ठे इसमें. मतलब ऑब्वियसली इस थर्ड जब हम लिख रहे हैं या उसके आगे वाली तो हम ये मान रहे हैं कि भाई हमें कंफर्म हो गया है कि लाइट की पार्टिकल नेचर इन्वॉल्व है. मतलब थर्ड पॉइंट इज नॉट डायरेक्टली अ ऑब्जर्वेशन, ये तो बाद में आ गई है कह लो. हाँ जी सर, लाइट की पार्टिकल नेचर मतलब अब कंफर्म होगी? हाँ नहीं मतलब कब कैसे बताया हमने? सिर्फ ये मतलब फर्स्ट वाले पॉइंट से नहीं, इसको ना हम अगली क्लास में फिर से लिखेंगे कि बेसिकली तीन मेजर ऑब्जर्वेशंस थी जिसके बेसिस पे हम ये बता पाएंगे कि लाइट की पार्टिकल नेचर है. तो उसमें जैसे एक तो फर्स्ट वाला पॉइंट हो गया. Yes, sir. ठीक है, दूसरा है फोर्थ वाला पॉइंट कि भाई अगर आपने फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखी और पावर बढ़ाते गए तो करंट बढ़ता गया. ओके सर. ठीक है, और तीसरा है टाइम वाला कि भाई झटके से निकल रहे हैं. ठीक है, हाँ जी हम अगली क्लास में, कोई चक्कर नहीं है. ठीक है बच्चों, ये समझ आ गया?
चलो ओके बच्चों बाय. सो वी मीट एट 4:30 है ना, 4:45 सॉरी. हाँ ओके बाय. इसका होमवर्क मैं अभी भेज रहा हूँ आपको ग्रुप पे. बेसिकली तो ए और बी पार्ट्स कर सकते हो आप दोनों. 4:45 पे तो डिस्कशन है एक्सरसाइज 3. रे ऑप्टिक्स 3B और वेव ऑप्टिक्स 3A, उसकी डिस्कशन क्लास है.